सर बताएं। पहले मेरा नाम मोहम्मद हजरत अली है, मैं विधानसभा पथरदेवा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे देश के सम्मानित पदों पर रहने वाले तमाम वादे भारत के नागरिकों से, प्रदेश के नागरिकों से उन्होंने किया। उनके चुनावी घोषणा था महंगाई कम करना, बेरोजगारी को दूर करना, बाघ और बकरी को दोनों के घाट पर पानी पिलाना, देश की सारी व्यवस्था को ठीक करना। लेकिन ऐसा यहाँ पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग होंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जो प्रधानमंत्री जी का चुनावी घोषणा था उस पर किसी एक बात पर खर्रा उतरे हों। और इस हिंदुस्तान के हर सूबों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए तमाम सभाएं की, लेकिन किसी सभाओं में उन्होंने ये नहीं कहा कि महंगाई, ऐ मेरे देश के किसान, ऐ मेरे वोटरों, वोट आप देने का काम करें और मैं महंगाई पर कंट्रोल करने जा रहा हूं। कभी ऐसा प्रधानमंत्री मेरे सम्मानित इस देश के कुर्सी पर बैठने वाले, कभी इसका आलोचना कोई उसका जिक्र नहीं किया कि महंगाई कहां जा रही है, देश मेरा कहां जा रहा है, सेना के लोग मारे जा रहे हैं, बगैर जांच हुए सेना की गाड़ी नहीं जाती है और बगैर जांच को ही गाड़ी चली गई, विस्फोट हुआ, हमारे लोग मारे गए, और उसके खिलाफ बोलने वाले लोगों को, उसके सही चीज़ों को बोलने वाले लोगों को जेल के सलाखों में डाला जा रहा है। उससे अगर कोई ज़्यादा कह दिया कि महंगाई बेशुमार है, राजनी बेशुमार है, तो उनको उठा करके दरोगा पकड़ करके जेल में डाल रहा है, पीट पाट करके 50 धाराएं लाद रहा है। मैं माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता है, ईश्वर और खुदा का ये घर है। इबादत जो करने वाला होगा मस्जिद में जाएगा, जो पुजारी होगा पूजा करने के लिए मंदिर ढूंढ लेगा, घर में भी कर लेगा, लेकिन ये देश की अहम मुद्दाओं में से नहीं है कि मंदिर और मस्जिद ही जरूरी है। यहाँ चाहिए इंसान जात के लिए रोटी और कपड़ा मकान, और बेरोजगारों को बेरोजगार मिलना चाहिए। इस पर कभी उन्होंने नहीं कहा, कहा कि राम के मंदिर हमने बनवाया और आने वाले समय में मथुरा के मंदिर मैं बनवाऊंगा। मैं इस बात पर लानत देता हूं कि ऐसी सरकार को, पूरी जनता उत्तर प्रदेश को विदाई करे और अच्छी सरकार लाने वाली समाजवादी पार्टी का जो मुखिया मुलायम सिंह के लड़के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनको लाया जाए। धन्यवाद। ये सरकार जो वादा की थी वादा पर खरी नहीं उतरी। आज देश के युवा हैं बेरोजगार हैं, महंगाई है, और जितनी ये आप महंगाई इतनी चरम सीमा पर है उसका कोई हदिसाब नहीं। सब तो बात छोड़ दीजिए, मैं स्वयं एक लीटर तेल सरसों का खरीदने में, मतलब कहने का ये सीधा सा है कि महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, एक लाइन की महंगाई तो कमर तोड़ दी है, बेरोजगार नौजवानों को कमर तोड़ दिया है। और वो जो कहीं भी मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी कहीं बोल रहे हैं जनता में आकर के, ये वादा नहीं कि जिसे पिछले बार उन्होंने कह दिया 15 लाख मैंने खाते बजाया होगा, वो भी झूठा हो गया मामला। और उसके बाद कहीं ये नहीं, उन्होंने तो खुद स्वीकार कर लिया कि ये एक जुमला था। हाँ। उनके जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया कि एक जुमला था। तो अभी कहीं भी तो बात तो खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई, लेकिन वो जनता को याद है ना, 2 करोड़ हर साल रोजगार देना, महंगाई कम करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, और यहाँ जो है अभी जो भी वो जनसभा कर रहे हैं वहाँ एक भी वादा नहीं कर रहे हैं कि हम इतने दिन में, अरे मेरे भाई जनता जनार्दन, मैं हमको दोबारा सरकार में अगर लाते हैं मैं इतना महंगाई कम कर दूंगा, इतना रोजगार दे दूंगा, इतना विकास कर दूंगा, इतना गैस का दाम कर दूंगा, इतना तेल का दाम कर दूंगा, डीजल का दाम कम, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ वो जो है पूंजीपतियों की सरकार है और गरीब जनता की नहीं है। सिर्फ जलता डीजल और पेट्रोल महंगाई की वजह से ये मामला जो है, सब तेल सरसों जो भी अपना वो महंगा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ 50 में मस्जिद किराया लगता है, मस्जिद 30 या 35 में लगता था, जब से डीजल बढ़ गया, डीजल का दाम 50 नहीं, तो जब तेल बढ़ेगा तो हर चीज बढ़ जाएगा, वो तो सीधी सी बात। वही महंगाई, वो मेन महंगाई पर कंट्रोल करें। और इस समय अखिलेश यादव माननीय समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जितावे, सारे जनता से अपील हम लोगों की उनको जिता के सरकार आए। और धन्यवाद, ये बहुत लंबा हो रहा है।